नमस्कार शिक्षार्थियों, नैदानिक एवं उपचारात्मक पोषण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे जठरांत्रीय रोगों में आहार के बारे में। जठरांत्रीय रोग होते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड रोग होते हैं। वह पूरा सिस्टम जो हमें खाने के अंतर्ग्रहण से लेकर उसके पचाने से लेकर उसके एक्सक्रीशन तक जो भी सिस्टम है, पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा ट्रैक्ट है, उससे संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसमें किस तरह का आहार लिया जाना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहला जो हम रोग लेंगे वो है जो साधारण हम लोग देखते हैं, अपच या बदहजमी जिसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया कहते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने कुछ लक्षणों को जैसे मतली और हृदयदाह, अधिजठर दर्द, बेचैनी और फुलाव जैसे कई सारे जठरांत्रीय लक्षणों को अनुभव किया है। और ये सारे लक्षण आमतौर पर कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से जुड़े हुए होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम खाना खाते हैं और हमें अपच हो जाती है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, इसी को हम अपच या डिस्पेप्सिया के रूप में जानते हैं। यदि अपच के लक्षण बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं तो यह गैस्ट्राइटिस, जो गैस्ट्रिक मिकोसा होता है उसकी सूजन, या पेप्टिक अल्सर, पित्ताशय की बीमारी या कैंसर जैसी समस्याओं से संबंधित हो सकता है। अपच दो प्रकार की होती है, कार्यात्मक जिसे हम फंक्शनल कहते हैं और आंगिक या ऑर्गेनिक। कार्यात्मक अपच में आहार नली के किसी भी हिस्से में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है और यह मूल रूप से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक लक्षणों के कारण होता है। जैसे हमें कोई स्ट्रेस है, कोई बात हमें परेशान कर रही है, उसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है, ये अपच का वह प्रकार होता है। दूसरा होता है आंगिक, जो किसी अंग के रोग से रिलेटेड होता है, जैसे गुर्दा या हृदय रोग। इसके कारक के बारे में बात करें तो पाचन तंत्र में उचित पाचन और भोजन के अवशोषण में विफलता के कारण अपच हो सकती है। पेट में अल्सर हो, एसिड रिफ्लक्स हो जिसे हम अम्ल प्रतिवाह कहते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपको एसिड मुंह में आता है, जो इसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, या जलन होती है जो एलिमेंट्री इसमें फूड पाइप में, इसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर या पित्ताशय की बीमारी या कैंसर के कारण अपच हो सकती है। लैक्टोज असहिष्णुता की तरह कुअवशोषण सिंड्रोम, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हम कोई विशिष्ट प्रकार का जो न्यूट्रेंट होता है उसे हम अवशोषित नहीं कर पाते, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसमें हम लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती है उसके सेवन से हमें अपच के लक्षण हो सकते हैं, या आहार दोषपूर्ण भोजन की आदतों के कारण, या कुछ अगर खाद्य पदार्थ हम इंटॉलरेंट हैं जिनके लिए, या तनाव, कुछ जीवन शैली के कोई कारक हो सकते हैं उनके कारण अपच हो सकती है। इसके संकेतों और लक्षणों की बात करें, अपच दीर्घकालीन या तीव्र हो सकती है, अर्थात कम समय के लिए भी हो सकती है और अधिक समय के लिए भी हो सकती है। और इसके लक्षणों में मूलतः हृदयदाह, भोजन से संबंधित ऊपरी पेट की परेशानी, सूजन, फुलाव, मतली और एनोरेक्सिया जैसी समस्याएं सम्मिलित हैं। इसकी सामान्य जटिलताओं में वजन की कमी हो जाती है और सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसके लक्षणों और अवसरों के कारण लोग अक्सर भोजन करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको इच्छा नहीं होती भोजन करने की, जिससे कि वजन कम हो सकता है। किस प्रकार का आहारी प्रबंधन कर सकते हैं हम इसमें हम भोजन के स्वरूप को बदल सकते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ जिनको सेवन करने से अपच हो रही है उनको आहार में से निकाल सकते हैं। इससे हमें कभी कभार लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। अपच की स्थिति में नरम और फीका आहार निर्धारित किया जाता है और कभी कभी जो खाद्य पदार्थ ज़्यादा गैस का उत्पादन करते हैं खाने के बाद, जैसे साबुत दालें, राजमा, छोले, इनके सेवन से बचना चाहिए क्योंकि ये सभी दालें पचाने में मुश्किल होती हैं और उपकाई का कारण बन सकती हैं। कुछ सब्जियां हैं जैसे मूली, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सब सब्जियां भी आहार में वर्जित करनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करना चाहिए और शराब और ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जिनके सेवन के बाद असुविधा हो। केवल भूख लगने पर ही भोजन करें, ज़बरदस्ती भोजन नहीं करना चाहिए। खाद्य पदार्थों को भली प्रकार चबाने के बाद लें
और चबाने के लिए उनको कुछ समय दें, केवल खाद्य पदार्थ को बिना चबाए निगलना नहीं चाहिए। हमेशा सोने से 1-2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए, सोने से ठीक पहले खाना नहीं करना चाहिए, इससे भी अपच होती है। अपना जो डेली शेड्यूल है उसको विनियमित करें और तनाव को कम करने का प्रयास करें, इसके लिए योगा वगैरह भी किया जा सकता है। धूम्रपान करने से बचना चाहिए और ऐसी दवाओं के सेवन से बचना चाहिए जो आहार नली में जलन करती हों। अगला रोग है आंत्र गैस और उदरस्फीति, जिसे हम इंटेस्टाइनल गैस और फ्लैटुलेंस कहते हैं। जठरांत संबंधी मार्ग में भोजन विभिन्न पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण के लिए एक भाग से दूसरे भाग में जाता है और इस पूरी प्रोसेस में कुछ गैस उत्पन्न होती है जो आमतौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मामलों में मीथेन होती है। सामान्य प्रक्रिया में यह जो गैस होती है वह रक्त में अवशोषित हो जाती है और फेफड़ों, मुंह या मलद्वार से निष्कासित हो जाती है। आमतौर पर 200 मिलीलीटर गैस जठरांत मार्ग में मौजूद रहती है और मानव हर दिन लगभग 700 मिलीलीटर गैस उत्सर्जित करता है। कुछ मामलों में यह जो गैस होती है यह जमा हो जाती है और असुविधा पैदा करती है। बढ़ी हुई मात्रा और गैस के पारित होने की आवृत्ति के कारण मरीजों को अत्यधिक गैस की शिकायत होती है। इसका कारण है निष्क्रियता। कई बार बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं होता उसकी वजह से, और जठरांत मार्ग में घटती गतिशीलता। एरोफेजिया, खाद्य पदार्थ के सेवन के दौरान हवा को निगलना, इसकी वजह से भी गैस होती है। कोई जठरांत संबंधी विकार हो उसकी वजह से हो सकती है। पेट और आंत में कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों का बैक्टीरिया द्वारा किण्वन हो सकता है, इसकी वजह से भी गैस हो सकती है। और जो सबस्ट्रेट है जिसका फर्मेंटेशन हो सकता है उसका अगर अच्छे से अवशोषण ना हो तो भी गैस होती है। और कई बार जल्दी जल्दी खाने को कम चबाने से और भोजन करते वक्त मुंह खुला रह जाने से भी मतलब मुंह खोलकर भोजन करने से भी गैस होती है। इसके लक्षण हैं पेट में मरोड़ होते हैं, ऐंठन होती है और पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, और पेट फूलती है तो बहुत ज़्यादा जो अत्यधिक गैस होती है उसकी वजह से पेट फूल जाता है। इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है? गैसों के उत्पादन या पाचन नली के माध्यम से गैस को पारित करने में कठिनाई के आधार पर इसका प्रबंधन किया जाता है। यदि गैस के पारित करने में कठिनाई है या ऐंठन है तो व्यायाम द्वारा डकार के माध्यम से या मलाशय के माध्यम से गैसों के निष्कासन में मदद मिल सकती है। और यदि समस्या अत्यधिक गैस के उत्पादन से संबंधित है, ये तो निष्कासन से संबंधित थी, ये अगर उत्पादन से संबंधित है तो कई बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फलियां, घुलनशील रेशा, प्रतिरोधी स्टार्च, फ्रक्टोज, अल्कोहल जैसे सिंपल जो शुगर्स होती हैं उनका सेवन कम करना चाहिए। ऐसी दालें जिसमें स्टिकायोज और रेफिनोज जो ऑलिगोसैक्राइड्स होते हैं इनकी मात्रा अधिक होती है उनसे बचना चाहिए। और आहार में ब्रेड, बेकरी उत्पाद, स्टार्च वाली सब्जियों की मात्रा कम करनी चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी हजम नहीं होते और इनका फर्मेंटेशन होकर यह समस्या पैदा कर सकते हैं। अगला प्रॉब्लम है कब्ज़। कब्ज़ की स्थिति वह है जिसमें मल का निष्कासन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसमें मल त्याग बहुत कम होता है और बहुत कठिनाई से होता है और कभी कभी 2-3 दिन बाद होता है और बहुत कड़ा मल इसमें पारित होता है जिससे व्यक्ति को बहुत समस्या होती है। यह 2 प्रकार का होता है, एटॉनिक और स्पेस्टिक। एटॉनिक जो कब्ज़ होता है इसमें मलाशय की संवेदनशीलता कम होने के कारण मलाशय मल पदार्थों से पूर्ण होने पर भी मल उत्सर्जन की इच्छा का अभाव होता है। इसका मुख्य कारण होता है आंतों की संकुचन शक्ति जो सामान्य तौर पर तीव्र होती है इसमें कमज़ोर हो जाती है। और ऐसा जो कब्ज़ होता है वो प्रायः वृद्ध व्यक्तियों में, मोटे व्यक्तियों में, बुखार से पीड़ित व्यक्ति में या गर्भवती स्त्री में या जिनकी कोई सर्जरी हुई हो ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है। भोजन संबंधी गलत आदतें और मल उत्सर्जन की अनियमित आदतों की वजह से भी एटॉनिक कब्ज़ होता है। फिर है स्पैस्टिक कब्ज़। इसमें बड़ी आंत की दीवार की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई
परिवर्तन आने लगते हैं, जिससे आंतें अत्यधिक क्रियाशील हो जाती हैं और मल आगे नहीं बढ़ पाता। इसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है, और यह कब्ज़ मानसिक तनाव, अत्यधिक चाय, कॉफ़ी, मदिरा आदि तथा दवाइयों के प्रयोग के कारण होता है। इसके लक्षण हैं बेचैनी, सरदर्द, कार्य करने में अरुचि, और जीभ पर एक सफ़ेद परत जम जाती है और गैस बनती है। शरीर का तापमान बढ़ता है, भूख नहीं लगती है और मुंह से बदबू आती है। कब्ज़ के कारण होते हैं, सबसे सर्वप्रथम कारण है जिनको शौच जाने की अनियमित आदतें होती हैं उन्हें कब्ज़ होती है। और आहार में यदि पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियों और रेशेदार पदार्थों का अभाव है तो भी कब्ज़ होती है। बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें व्यायाम नहीं करते लोग और बहुत कम क्रियाशील रहते हैं, उन्हें भी कब्ज़ होती है। और जो लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं, जल्दीबाजी में जीवन व्यतीत करते हैं, अनियमित रूप से फटाफट भोजन करते हैं और विश्राम नहीं करते, उन्हें भी कब्ज़ हो जाती है। और जो लोग खाने में पेय या द्रव्य पदार्थों की मात्रा कम लेते हैं, उन्हें भी कब्ज़ होती है। मानसिक तनाव, चिंता, घबराहट, अस्थिरता या अत्यधिक चाय, कॉफ़ी, शराब या तंबाकू के सेवन के कारण कब्ज़ होती है। और कुछ पदार्थ जो मल को भार प्रदान कर निष्कासन में मदद करते हैं, जिन्हें रेचक कहते हैं यानी लैक्सेटिव्स, इनका कई लोग प्रयोग करते हैं और इनका लगातार प्रयोग करने से भी कब्ज़ होती है। इसमें आहारी उपचार किस प्रकार का हो सकता है? क्योंकि कब्ज़ एक मल के निष्कासन संबंधी समस्या है, इसलिए इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पर सामान्यतः कोई अंतर नहीं आता। सिर्फ आहार में रेशे की मात्रा और द्रव्य पदार्थों की मात्रा को परिवर्तित किया जाता है। कब्ज़ के रोगी को उच्च रेशे वाला भोजन लेना चाहिए, जिसमें साबुत अनाज, साबुत दालें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और फल लेने चाहिए। रेशा भोज्य पदार्थ में जो रेशे जो होते हैं, वो पानी को अवशोषित कर मल को निकालने में सुविधा प्रदान करते हैं। फिर है द्रव्य। रोगी को अधिक से अधिक द्रव्य पदार्थों का या पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सामान्यतः 8 से 10 ग्लास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए, और पीने के पानी के अलावा द्रव्य पदार्थ जैसे नींबू पानी, शरबत और जो ड्रिंक्स होते हैं वो भी हम ले सकते हैं। और प्रातःकाल हल्के गर्म पानी में नींबू का रस डालकर पीने से कब्ज़ में लाभ होता है। और कब्ज़ के रोगी को नियमित रूप से व्यायाम करने चाहिए, उससे भी कब्ज़ की समस्या दूर होती है। अगला जो रोग है वो है पेप्टिक अल्सर। अमाशयिक तंत्र यानी एलिमेंट्री ट्रैक में वह भाग जो अमाशयिक अम्ल के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं, इसकी श्लैष्मिक झिल्ली जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, उसमें खुले घाव हो जाते हैं, जिन्हें हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। यह दो प्रकार के देखे जाते हैं अमाशय तंत्र के पथ पर उपस्थिति के आधार पर। पहला है अमाशय का पेप्टिक अल्सर, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। यह अमाशय में या आहार नलिका के निचले स्तर पर पाया जाता है। इस प्रकार के अल्सर में अमाशय की अंतः त्वचा अपनी जो एसिड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है वह खो देती है, जिससे कि एसिड के कॉन्टैक्ट में आने पर ही इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वह गल जाती है और उसकी दीवारों पर गड्ढे या छेद बन जाते हैं। दूसरा है पक्वाशय का पेप्टिक अल्सर, जिसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। ड्यूडेनल अल्सर पक्वाशय यानी छोटी आंत के अग्रभाग में उत्पन्न होता है, और इसमें कोशिकाओं में अम्ल उत्पादन या उसके मात्रा में वृद्धि होने के कारण यह अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर के लक्षणों की बात करें तो यह जो रोग है वह इसके रोगी को अत्यधिक दर्द होता है, और जो अमाशय का पेप्टिक अल्सर है इसमें भोजन के पश्चात तथा पक्वाशय के पेप्टिक अल्सर में अमाशय के खाली होने पर पेट में अत्यधिक दर्द होता है और आहार नली में जलन और दर्द का अनुभव होता है। वज़न कम हो जाता है, बार बार अम्ल मुंह में आता है और उल्टियां होती हैं। कभी कभी उल्टी में रक्त भी देखा जाता है, जो अमाशय के पेप्टिक अल्सर की उपस्थिति में होता है। और कई बार मल काले रंग का होता है, जो मल में रक्त की उपस्थिति को दर्शाता है। यह पक्वाशय के पेप्टिक अल्सर की स्थिति में होता है। इसकी जटिलताओं की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि यह काफ़ी कष्टकारी और दर्दनाक रोग है और इसका निवारण तुरंत करना चाहिए। और यदि इसका निवारण तुरंत नहीं किया गया और यह लंबे समय तक चले तो
जो आमाशय होता है उसकी दीवारों पर बड़े और आर पार गड्ढे बन जाते हैं, क्योंकि उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वह एसिड के कॉन्टैक्ट में आके पूरी तरह गल जाती है। ऐसी स्थिति में भोजन यदि ग्रहण किया गया तो भोज्य पदार्थ आमाशय में जो उत्पन्न छेद होते हैं उससे निकल जाते हैं और कई सारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा दर्द युक्त होता है और ख़तरनाक भी होता है। ऐसे में तुरंत सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसके कई सारे कारण हैं, या किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु सर्वाधिक 45 से 55 ईयर्स में पाया जाता है और महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में पेप्टिक अल्सर अधिक देखा जाता है। आमाशय के पेप्टिक अल्सर में आमाशय की दीवार की अम्ल के प्रति प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है और पक्वाशय के पेप्टिक अल्सर में अम्ल के स्राव में वृद्धि होती है, जैसे मैंने बताया। वंशानुक्रम भी इसका कारक हो सकता है। प्रायः पेप्टिक अल्सर के रोगी के परिवार में या निकट संबंधियों में यदि पेप्टिक अल्सर हो तो व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और कई सारे शोधों से यह पता चला है कि जो उनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वह भी प्रायः उनको पक्वाशय का पेप्टिक अल्सर देखा जाता है। और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ की होने की वजह से तनावग्रस्त जीवन होता है और भोजन की आदतें अनियमित होती हैं, वहाँ भी पेप्टिक अल्सर देखा जाता है। कई लोग बहुत अधिक संवेदनशील, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले और कई बार जल्दी तनाव होता है जिनको, बहुत जल्दी चिंता करते हैं, डरते हैं और अस्थिर होते हैं, उनको भी पेप्टिक अल्सर अधिक देखा जाता है। जो लोग अत्यधिक चाय, कॉफ़ी, शराब, धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करते हैं उनके भी ये सब जो कारक होते हैं ये भी श्लैष्मिक झिल्ली को क्षतिग्रस्त करते हैं आमाशय की, और इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई भोजन संबंधी आदतों के कारण भी पेप्टिक अल्सर देखा जाता है, जैसे जल्दी जल्दी खाना, कम चबाकर खाना, और कई लोग लंबे लंबे उपवास रखते हैं, उनको भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक रहती है, और दो भोजनों के मध्य अधिक अंतर की वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण भी जो आमाशय की श्लैष्मिक झिल्ली है उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, अतः इस संक्रमण में प्रभावित होने पर भी पेप्टिक अल्सर देखा जाता है। किस प्रकार का आहारी उपचार करना चाहिए पेप्टिक अल्सर में? ऊर्जा की बात करें तो चूंकि इस अवस्था में रोगी कुपोषित होता है इसलिए उसकी ऊर्जा आवश्यकता बढ़ जाती है, परंतु गंभीर अवस्था में रोगी बिस्तर पर ही लेटा रहता है तो इसलिए शारीरिक क्रियाशीलता बहुत कम होती है और इसलिए जो सामान्य ऊर्जा की आवश्यकता ही उसकी बढ़ी हुई ऊर्जा की आवश्यकता पूरी कर देती है। प्रोटीन की बात करें तो चूंकि इसमें आमाशय की जो सतह होती है उसमें घाव हो जाते हैं तो उसकी भरपाई के लिए, उनको जल्दी भरने के लिए उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए और इसलिए प्रोटीन की मात्रा 50% तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें ध्यान यह रखना चाहिए कि मांसाहारी प्रोटीन कम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा एसिड सिक्रीट होता है और वह इस प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि प्रायः देखा जाता है कि दूध देने से रोगी को राहत मिलती है, परंतु यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि दूध में मौजूद कैल्शियम जो होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है उसमें, उसकी मात्रा से अम्ल के स्राव को बढ़ावा मिलता है और इसलिए विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। तो इस पेप्टिक अल्सर की स्थिति में अंडे या अन्य प्रोटीन के स्रोत आहार में देने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में देना चाहिए क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ी हुई होती हैं, तो ऊर्जा को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। वसा आमाशय को देर तक भरा रखती है और आमाशय की अधिक मात्रा पेप्टिक अल्सर में देना उपयोगी होता है, पर इसमें आसानी से पचने वाले वसा के स्रोत देने चाहिए जैसे मक्खन आदि। विटामिन्स देने चाहिए, इसमें मूल रूप से विटामिन सी दिया जाता है क्योंकि घावों के भरने के लिए विटामिन सी बहुत उपयोगी है। और इसके अलावा अगर रक्तस्राव हो रहा है तो लौह लवण की कमी हो सकती है, तो लौह लवण भी उचित मात्रा में देना चाहिए विटामिन सी के साथ, क्योंकि इसके अवशोषण के लिए विटामिन सी आवश्यक है। पेप्टिक अल्सर की तीन अवस्थाओं में किस प्रकार का आहार दिया जाता है? पहली व दूसरी अवस्था। पहली अवस्था वो होती है जब रोगी काफ़ी गंभीर होता है, और दूसरी अवस्था वो होती है जब रोगी की अवस्था बहुत गंभीर नहीं होती परंतु वो बिस्तर पर ही होता है और ठीक हो रहा होता है। तीसरी अवस्था वो होती है जब रोगी ठीक हो गया होता है परंतु भविष्य के लिए उसे काफ़ी प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता होती है अपने आहार में, तो
उसके हिसाब से किस प्रकार का आहार होना चाहिए। पहली व दूसरी अवस्था में द्रव्य पदार्थ जैसे दूध, फलों का रस और दही लस्सी दे सकते हैं। रिफाइंड सीरियल्स यानी कि परिष्कृत अनाज और उससे बनी हुई चीज़ें देनी चाहिए। धुली हुई दालें, पका हुआ अंडा, अच्छी तरह से पकी हुई फल एवं सब्जियाँ और अन्य हल्के आहार जैसे पतली खिचड़ी, इस तरह के आहार दे सकते हैं। और तीसरी अवस्था में पहली और दूसरी अवस्था के सारे ही भोज्य पदार्थ, उसके बाद अच्छी तरह से पके हुए अनाज से बने भोज्य पदार्थ, दूध व अंडे के सभी भोज्य पदार्थ और सहन शक्ति के अनुसार कच्ची सब्जियां और फल दे सकते हैं। पेप्टिक अल्सर के रोगियों के लिए कुछ भोजन संबंधी सुझाव हैं। जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा भोजन थोड़े थोड़े समय पर लेना चाहिए और भोजन बहुत धीरे धीरे और शांत वातावरण में करना चाहिए। अत्यधिक चाय, कॉफ़ी, शराब नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए और अत्यधिक मिर्च मसाले का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पेप्टिक अल्सर के रोगी के लिए वर्जित भोज्य पदार्थ हैं, बहुत अधिक मिर्च मसाले नहीं लेने चाहिए बिल्कुल भी, अचार, पापड़, चटनी नहीं लेनी चाहिए, तेज बहुत कड़ी चाय होती है वह या कॉफ़ी, और तेज़ गंध वाली सब्जियाँ जैसे लहसुन, पत्ता गोभी इत्यादि। तो शिक्षार्थियों, व्याख्यान की इस जो टॉपिक है इसमें आपने कुछ जठरांतरी रोगों में आहार नियोजन के बारे में जाना। इस व्याख्यान के अगले भाग में कुछ अन्य रोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं करेंगे और उन रोगों में आहारी प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।